हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एबीसी एजुकेशन एकेडमी। तो हम कर रहे हैं सॉलिड स्टेट की बात। आज है हमारा लेक्चर नंबर 3। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा यूनिट सेल के बारे में, यूनिट सेल के टाइप्स के बारे में, और यूनिट सेल की एज लेंथ और आर के बीच में, रेडियस के बीच में हमने रिलेशन को पढ़ा था, ठीक है। और हमने पैकिंग फ्रैक्शन के बारे में बात की थी, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे यूनिट सेल की डेंसिटी के बारे में। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो डेंसिटी, डेंसिटी वर्ड से आप क्या समझते हैं बताइए मुझे। तो डेंसिटी आपको पता होगा, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं आप लोग सब। डेंसिटी का मतलब क्या है? पर यूनिट वॉल्यूम में आपका जितना मास प्रेजेंट है वो हमारी क्या कहलाती है? डेंसिटी कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम यूनिट सेल की बात कर रहे हैं। तो यूनिट सेल में कैसा होता है? यूनिट सेल आपको पता है क्यूबिक स्ट्रक्चर का, मैंने इससे प्रीवियस क्लास में आपको दिखाया था, बना के दिखाया था कि नहीं दिखाया था? बिल्कुल दिखाया था। तो फिर से देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो डेंसिटी की मैंने बात की, तो ये हमारा यूनिट सेल था। तो ये यूनिट सेल का जितना भी वॉल्यूम है इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे वो किस तरीके से, आपको पता है सॉलिड में कैसे क्लोजली पैक्ड होते हैं, तो पर यूनिट वॉल्यूम में कितना पार्टिकल्स ऑफ मास प्रेजेंट, उन पार्टिकल्स के पास मास प्रेजेंट होगा तो कितना उसमें मास प्रेजेंट है वो हमारी क्या कहलाती है, उससे हम डेंसिटी को डिनोट करेंगे। तो वो हमारी क्या कहलाएगी? डेंसिटी कहलाएगी, ठीक है। तो आइए हम सबसे पहले मास की बात करते हैं। मास, मास ऑफ यूनिट सेल किस प्रकार से निकाला जाता है? आपको पता है मास ऑफ यूनिट सेल, तो आपको पता है ये यूनिट सेल कितने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलकर के बना है? बना है कि नहीं बना है? बना है, बिल्कुल सर बना है। तो मैंने आपको बताया था अलग अलग यूनिट सेल के पास क्या होता है, अलग अलग नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल FCC के पास 4, BCC के पास 2 और सिंपल वाले के पास 1 होते हैं कि नहीं होते। तो हम बात करते हैं नंबर ऑफ एटम की। तो आप फॉर एग्जाम्पल ये FCC है, क्या है? FCC है, तो इसके फेज में भी होंगे? होंगे सर, बिल्कुल होंगे। तो अगर मैं बात करूं फेज में कितने एटम होते हैं? 4 एटम होते हैं। कितने? 4 एटम होते हैं। होते कि नहीं होते? होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो ये जो 4 एटम वो है क्या? जेड है। जेड क्या है? किसको डिनोट कर रहा है? जेड नंबर ऑफ एटम को डिनोट कर रहा है, ठीक है। अगर मैं बात करूं ये क्रिस्टल किसका बना है, किसका बना है? सोडियम का बना है, कॉपर का बना है, किस एटम का बना है? तो उसका मॉलिकुलर मास होगा कुछ, मॉलिकुलर मास होगा। तो उसका मॉलिकुलर मास को हमने किससे डिनोट किया है? डिनोट किया है डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, उसको डिवाइड कर देंगे हम एवोगाड्रो नंबर से, तो हमारा क्या मिल जाएगा? मोलर मास ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। कैसे आया इसको यहां पे और अच्छी तरीके से देखिए। आपको पता है एक मोल कितना होता है? एवोगाड्रो नंबर के बराबर होता है। एक मोल का मोलर मास कितना होगा? एम होगा। ने माना एक मोल का मोलर मास कितना होगा? एम होगा। तो जेड नंबर ऑफ एटम में कितने, कितना मास प्रेजेंट होगा? तो आप बताएंगे जेड में कितना मास प्रेजेंट होगा, है ना? जेड मॉलिक्यूल का कितना मास प्रेजेंट होगा? तो इसके मोलर मास डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर इनटू जेड, तो इतना उस यूनिट सेल में क्या होगा? मास प्रेजेंट होगा। समझ में आई आपकी बात? तो ये यहां से आया, ठीक है। तो ये आपको मिला। और आपको पता है ये हमारी यूनिट सेल, यूनिट सेल की एज लेंथ क्या होती है? ए। तो यूनिट सेल की एज लेंथ क्या होती है? ए होती है, बिल्कुल सर होती है। तो आपने देखा होगा वॉल्यूम को अगर हम डिफाइन करें तो वॉल्यूम का मतलब क्या है? लंबाई, इस यूनिट सेल की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के बारे में बात की। लंबाई, चौड़ाई और लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के बारे में बात की। तो हम एज लेंथ को किससे डिनोट कर रहे हैं? ए से, ए से, ए से। तो वॉल्यूम क्या हो गया? एल इंटू बी इंटू एच, तो ए इंटू ए इंटू ए, राइट, ए क्यूब आ गया। तो वॉल्यूम आ गया हमारा यहां पर ए क्यूब। कितना आ गया हमारा? ए क्यूब। कैसे आया यहां पे ए क्यूब? समझ में आई आपकी बात? ठीक है, आगे बढ़े। तो बस कुछ नहीं करना है, डेंसिटी का फॉर्मूला आपको पता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास का वैल्यू आपको यहां पे मैंने निकाल के दिखाया, पुट कर दीजिए यहां पर, इस पे पुट कर दीजिए, कर दिया। फिर वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ए क्यूब, ये ए क्यूब यहां से ऊपर आ गया, ठीक है। तो हमें फाइनल लाइन, फुल एंड फाइनल आपका ये फॉर्मूला मेरे को डेंसिटी का यहां से डिराइव्ड हो गया है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो फाइनल हमारा डेंसिटी का फॉर्मूला हमें क्या मिला? Z इंटू एम अपॉन एन ए इंटू ए क्यू। अब आप मुझे बताइए एन ए एवोगाड्रो नंबर कितना होता है, कितना वैल्यू होता है एवोगाड्रो नंबर का, पता होना चाहिए आपको कितना होता है? 6.023 इंटू 10 की पावर 23।
6.023 × 10^23 हमारे क्या होते हैं एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू होता है। ठीक है, ए क्यूब क्या है इसमें वॉल्यूम है, जेड क्या है इसमें नंबर ऑफ एटम है, और एम क्या है इसमें मोलर मास है, क्या है इसमें। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब डेंसिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक, इससे आपको थोड़ा आइडिया लगेगा। यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा आपके एग्जाम में। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है हमें, कॉपर क्रिस्टलाइजेस इन फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर, द एज लेंथ ऑफ अ यूनिट सेल इज फाउंड टू बी 3.61 × 10^-8 सेंटीमीटर। तो एक कॉपर का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, FCC टाइप का है, जो कि किस टाइप का है, FCC टाइप का, दिख रहा है आपको, FCC टाइप का। आपको सीधे सीधे इससे क्या पता चलता है भैया, FCC टाइप का एक कॉपर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है वो कह रहा है। तो देखिए यहां पे, देखिए FCC टाइप का है तो आपको Z का वैल्यू आसानी से मिल गया। Z FCC में नंबर ऑफ एटम कितने कंट्रीब्यूट करते हैं, 4 करते हैं, राइट। ठीक है, और हमें एज लेंथ का देखा है, A का वैल्यू देखा है 3.61 × 10^-8 सेंटीमीटर, राइट। ठीक, आगे क्या दिया है देखते हैं, आइए क्वेश्चन में देखें। ठीक है, कैलकुलेट द डेंसिटी, हमको कैलकुलेट क्या करना है, डेंसिटी को कैलकुलेट करना है। ठीक है, ऑफ कॉपर, इफ द मोलर मास ऑफ अ कॉपर, आइए मोलर मास दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, मोलर मास पुट करते हैं यहां पे, मोलर मास मतलब एम से डिनोट करते हैं मोलर मास को, कितना दिया है वहां पे 63.5 ग्राम। ठीक है, ये अपने पास मोलर मास आ गया। डेंसिटी का फॉर्मूला डायरेक्ट, डेंसिटी निकालना है क्योंकि हमको हमको पता है जेड इंटू एम अपॉन एन ए इंटू ए क्यूब हमारा डेंसिटी का फॉर्मूला होता है। ठीक है, पुटअप करो, कुछ नहीं, वैल्यू पुटअप करनी है, 4 × एम का वैल्यू कितना 63.5 डिवाइडेड बाय एन ए का वैल्यू हमें पता है 6.023 × 10^23 ए क्यूब का, इसका क्यूब कर देंगे। ठीक, तो कितना वैल्यू 3.61 × 10^-8 का क्यूब कर दो। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको फाइनल जो आंसर आएगा, यहां पे मैं कैलकुलेट करके नहीं दिखा रहा हूं, ठीक है, तो आप इसे घर पे आराम से बैठ के कैलकुलेट कर सकते हैं। बस मेरे को यहां पे ये दिखाना था कि आपको किस तरीके से इस वैल्यू में, इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करना है। तो इसका आंसर आ जाएगा 8.92 के आसपास ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यूनिट का ध्यान रखेंगे, तो डेंसिटी हमेशा मेनली ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में निकाली जाती है, किसमें, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, तो उसका यूनिट का ख्याल रखेंगे, यहाँ पे यूनिट के साथ ही एग्जामिनर खेलेगा आपसे, यूनिट का हेर फेर करेगा। ठीक है, अब कैसे करेगा नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं बताने वाला हूं। ठीक है, तो इसका आ जाएगा 8.96 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मैंने यहाँ पे आंसर भी लिखा हुआ है, आप उसे कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए। कॉपर क्रिस्टलाइजेस इन FCC टाइप ऑफ यूनिट सेल, सेम कॉपर का एक क्रिस्टलाइज स्ट्रक्चर है जो FCC टाइप का यूनिट सेल बना रहा है। ठीक है, द एज लेंथ ऑफ अ यूनिट सेल इज, एज लेंथ दिया हुआ है पर डेंसिटी ऑफ मेटेलिक कॉपर इज, डेंसिटी दी हुई है। ठीक है, डिटरमाइन क्या करना है, पता क्या लगाना है, द एटॉमिक मास, वेरी वेरी सिंपल, आ जाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं है, निकालेंगे इसको भी। अब हमें इसमें मास निकालना है, क्या निकालना है, मोलर मास फाइंड आउट करना है। हमें पता है डेंसिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम इनटू मोलर मास डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर इनटू वॉल्यूम यूनिट सेल का ए क्यूब। ठीक है, यहां से हमें मोलर मास फाइंड आउट करना है, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मोलर मास इक्वल टू, ये यहां से यहां शिफ्ट हो जाएगा, डेंसिटी इनटू एवोगाड्रो नंबर इनटू ए क्यूब डिवाइडेड बाय जेड, नीचे आ जाएगा Z, बस कुछ नहीं, जो भी वैल्यू दी गई है इस फॉर्मूले में पुट अप करना है। पर ट्विस्ट कहां पे आता है, ट्विस्ट आता है इसकी यूनिट में, आइए यूनिट देखते हैं, है सेंटीमीटर में होनी चाहिए यूनिट। अब देखिए यहां पे एज लेंथ की, द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल इज पिकोमीटर में दी है, किसमें दी है, पिको, 360.8 पिकोमीटर, आइए इसे कन्वर्ट करते हैं, आइए इसे कन्वर्ट करते हैं, आपको पता है यहां पे करूं, ठीक है यहां पे करते हैं, आपको ही पता होना चाहिए एक पिकोमीटर बराबर 10^-12 मीटर होता है। ठीक है, हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो आपको पता है सेंटीमीटर क्या होगा, 10^-10 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा।
ठीक है, अगर एंगस्ट्रॉम में दिया होगा, आइए एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, अगर एज लेंथ आपकी एंगस्ट्रॉम में है तो 10 की पावर माइनस 10 मीटर, ठीक है, सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा 10 की पावर माइनस 8 सेंटीमीटर, राइट, समझ में आए, कन्वर्ट करना है बस, यूनिट को कन्वर्ट करके आपको फिर जाके इसमें फॉर्मूले में उस वैल्यू को पुट अप करना है। डेंसिटी दी हुई है पीछे, कितनी दी हुई है देखते हैं एक बार, ये देखिए डेंसिटी 8.92 इनटू एवोगाड्रो नंबर हमें पता है, कितने बार बोल दिया इसको, है ना, एक का वैल्यू दे रखा होगा पीछे, देखते हैं क्वेश्चन में क्या है एक का वैल्यू, अच्छा अभी देखा हमने ये तो है, तो एक का वैल्यू जो हमने अब 360.8 किस में था, पिकोमीटर में था, हमने कन्वर्ट किया एक पिकोमीटर को सेंटीमीटर में, 10 की पावर माइनस के 10, तो 10 की पावर माइनस का 10 सेंटीमीटर में हो गया, का होल क्यूब, ए क्यूब है ना, वॉल्यूम है ना, एज लेंथ का दिया था, एज लेंथ हमें दिया था, एज लेंथ दिया था मतलब हमें ए का वैल्यू दिया था, ए का वैल्यू दिया था 360.8 इंटू 10 की पावर माइनस 10 सेंटीमीटर, अब हमें इसे क्यूब करना पड़ेगा ना, तभी तो वो वॉल्यूम के बराबर होगा, लंबाई ऊंचाई चौड़ाई, ठीक है, वही चीज मैंने की, डिवाइडेड बाई जेड, जेड कितना, एफसीसी टाइप का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, मैंने प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था, एफसीसी के पास कितने नंबर ऑफ एटम होते हैं, 4 होते हैं, तो यहाँ पे वो यूज हो रहा है वो, बस तो आप इसको कैलकुलेट कीजिए, ठीक है, तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक, 63.02 ग्राम के आसपास मिलेगा आपको आंसर, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देखते हैं, तो 63.07 के आसपास ग्राम पर मोल, ठीक है, ये आपका आंसर है, तो आप इसे आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो ना, ये काम तो आप कर सकते हो, कैलकुलेशन का काम आपको करना है, तो जल्दी जल्दी इसकी कैलकुलेशन करनी है एग्जामिनेशन, ठीक है, तो मेन आप फंसोगे कहां पे, फंसना आपने यहां पे नहीं है, वैसे फंसना नहीं है, ठीक है, तो यूनिट में फंसना नहीं है, बस कन्वर्ट करनी है सारी यूनिट, अगर मीटर अगर आपको केजी में दे रखा है, ठीक है, कोई मोलर मास अगर केजी में है तो क्वेश्चन ऑप्शन में केजी में है, तो आप इसको फिर केजी में कन्वर्ट करोगे, राइट, तो यहां पे ध्यान देने योग्य बात है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है, यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, और इस लेक्चर के जब मैं ये सॉलिड स्टेट पूरा का पूरा आपको चैप्टर पूरा का पूरा समअप कर दूंगा, पढ़ा दूंगा, तो उसके बाद मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ, उससे आपका कंसेप्ट बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा वर्क करेगा वो चीज़, ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं अब अपने, अब आते हैं हम बात करते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग की, किसकी, क्यूबिक क्लोज पैकिंग की, तो हम पढ़ रहे हैं सॉलिड, तो मैंने बताया सॉलिड के पार्टिकल्स जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जिससे मिलकर के सॉलिड हमारा बना हुआ है, वो आपस में वो पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत पास पास क्लोजली पैक्ड होते हैं, होते हैं कि नहीं होते, होते हैं, ठीक, तो इस जो एक क्यूबिक क्लोज पैकिंग है, सॉरी क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर है, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर है, वो अपना उसको डायमेंशन के आधार पर तीन टाइप्स से डिवाइड किया गया है एनसीईआरटी में, आपको दिखेगा, तो फर्स्ट है क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन, क्लोज पैकिंग वन डायमेंशन में किस प्रकार से होती है, ठीक है, तो किस प्रकार से होती है भाई, ऐसे आपको डायग्राम दिख रहा है, एक डायमेंशन है, फॉर एग्जाम्पल ये एक्स एक्सिस है, एक ही एक्सिस में, ठीक है, एक ही एक्सिस में जा रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, एक पार्टिकल के बगल में दूसरा, दूसरे के बगल में तीसरा, इस तरीके से ये आपस में जुड़े हुए होते हैं, तो वही चीज लिखी है, स्फीयर्स आर अरेंज्ड इन अ रो सच दैट एडजेसेंट एटम आर इन कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर, जो एडजेसेंट एटम होते हैं वो आपस में एक दूसरे से कॉन्टेक्ट में होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, और एक ही एक्सिस में होते हैं, राइट, ठीक है, आगे देखिए, अगर मैं इसके कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करूं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर को कैसे डिफाइन किया जाता है, जो उसके नियरेस्ट, उस पार्टिकल के नियरेस्ट, कोई एक पार्टिकल मान लिया हमने, ठीक है, उसके नियरेस्ट कितने एटम, मतलब इस बॉल को कितने एटम टच कर रहे हैं, इस बॉल को कितनी बॉलें टच कर रही हैं, वो उसका इस बॉल का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, या फिर इस पूरे सिस्टम का कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा, क्योंकि सेम सेम होगा यहाँ पे, कितने 1 and 2, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 2, क्वेश्चन आएगा यहाँ से, क्या बोलेगा कि क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन, मतलब वन डायमेंशन क्लोज पैकिंग में कि का कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, तो आप बोलोगे 2 होगा, कैसे होगा, समझ में आपके बात आई, आइए अब देखते हैं टू डायमेंशन क्लोज पैकिंग, नाम से ही समझ में आ रहा है, टू डायमेंशन मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होंगे वो टू डायमेंशन होंगे, एक्स एक्सिस में भी होंगे फॉर एग्जांपल, और वाई एक्सिस में भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है, तो टू डायमेंशन क्लोज पैकिंग हमारी दो टाइप की होती है, कितने टाइप की होती है, दो टाइप की, पहली होती है स्क्वायर क्लोज पैकिंग,
और दूसरी होती है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक, तो फर्स्ट हम यहां पे देखेंगे स्क्वायर क्लोज पैकिंग की बात करेंगे हम। ठीक है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग में आप देख रहे हैं टू डायमेंशन है, तो एक एक्सिस ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस मान लीजिए, फॉर एग्जांपल ये वाला दूसरा एक्सिस हो गया, इसे वाई एक्सिस मान लीजिए, तो दो एक्सिस में ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट है। ये कोई शीट हो गई आपकी, क्रिस्टलाइन शीट या मेटल की शीट कुछ भी मान लीजिए, सॉलिड है। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ये मिलकर के ये बना हुआ है। ठीक है, तो ये किस तरीके का स्ट्रक्चर बना रहा है, स्क्वायरिश स्ट्रक्चर बना रहा है कि नहीं बना रहा है, बना रहा है, बिल्कुल बना रहा है। अगर मैं बात करूं इसका नाम ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग किस प्रकार से आया, तो आप ये देखिए स्क्वायर कहां से आया। देखिए कोई सा भी एक मॉलिक्यूल पकड़ लीजिए, ये वाला पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो इसको कितने हमारे मॉलिक्यूल टच कर रहे हैं, या कितने एटम, या फिर कितने आयंस टच कर रहे हैं, कितने कर रहे हैं, 1, 2, 3, 4 कितने कर रहे हैं, 4 कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4 हो जाएगा भाई, कितने हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा स्क्वायर क्लोज पैकिंग का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है टू डायमेंशन में, किसमें, टू डायमेंशन में कितना होता है, तो आप बोलोगे 4 होता है। कितना होता है सर, 4 होता है। तो देखिए यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बन रहा है, जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो उसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, देखिए ज्योमेट्री इस तरीके की, यहाँ पे ब्लू कलर में दिखा रखा है, तो इस तरीके से हम इनको जोड़ेंगे आपस में, तो ये एक ज्योमेट्री टाइप की बनेगी। कैसी ज्योमेट्री बनेगी, स्क्वायर। तो फिर हमारा नाम पड़ा स्क्वायर, और ये क्लोज पैकिंग है, पास पास है, तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग यहां से आपका इसका नाम। तो ध्यान देने योग्य बात क्या थी इसमें, कोऑर्डिनेशन नंबर, ध्यान देने योग्य बात क्या थी इसमें, क्लोज पैकिंग जो टू डायमेंशन में होती है वो दो प्रकार की होती है। पहला प्रकार मैंने आपको पढ़ाया, आइए अब सेकेंड टाइप में बढ़ते हैं आगे। चलिए, तो सेकेंड टाइप की अगर मैं बात करूं, उसका नाम है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। क्या नाम है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो स्टैगर्ड फॉर्म में होते हैं। कैसे फॉर्म में होते हैं, स्टैगर्ड फॉर्म में होते हैं। यहां पे आ जाइए, स्क्वायर में कैसे थे, थोड़ा कंपेयर करते हैं दोनों को। स्क्वायर में क्या थे, एक बॉल के ऊपर दूसरा बॉल, मतलब स्टैक्ड थे, एक बॉल के ऊपर दूसरी बॉल को स्टैकिंग किया गया, दूसरी के ऊपर तीसरी रखी है, तीसरे के ऊपर चौथी रखी हुई है, इस तरीके से ये स्टैक्ड किए हुए हैं। ठीक है, मतलब एक के ऊपर एक रखे गए हैं। तो इसके टाइप कैसा होगा, मतलब ये सेम टाइप की तो होंगी, ए टाइप, ए टाइप, ए टाइप, ए टाइप। तो हम इस स्क्वायर पैकिंग को क्या कह सकते हैं, ए ए ए ए टाइप भी तो बोल सकते हैं। कैसा टाइप होगा इसका, ए ए ए टाइप का ये स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहा है। वैसे ही अगर हम नेक्स्ट देखें, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की अगर मैं बात करूं, तो यहां पे मैंने बोला स्टैगर्ड फॉर्म में रखे गए हैं। एक देखिए, दो एटम है, इनके डिप्रेशन जहां पे आ रहा है बीच में, वहां पे एक बॉल रखी गई है, फिर इन दो के बीच में यहां पे एक बॉल रखी गई है, इस तरीके से। ये वाला टाइप तो अपना ए टाइप मान लीजिए इसको, ये फर्स्ट टाइप हो गया। ये देखिए, ये दूसरी टाइप का है, ये सेकंड टाइप, ये फिर से फर्स्ट टाइप, यहां से फिर रिपीट हो रहा है। ये कैसा है, फर्स्ट टाइप हो गया, फिर ये यहां पे फिर से रिपीट हो रहा है, ये कैसा है, सेकंड टाइप। इस तरीके से मॉलिक्यूल्स का, या बोले तो एटम्स का, या बोले तो लैटिस का, लैटिस पॉइंट का अरेंजमेंट होता है। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं इसके कोऑर्डिनेशन नंबर की। यहां पे आपको साफ साफ दिख रहा है, कोई सा भी मैं यहां पे इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि यहां पे बना हुआ है, तो कोई सा भी ले सकता हूं मैं, इसको ले लूं चाहे किसको, इसको ले लो, सेम रहेगा। ठीक है, सबका सेम रहेगा। तो यहां पे देखते हैं कितने ये बॉल, ये जो एटम है, इससे कितने और एटम, इसके नेबर में और कितने एटम प्रेजेंट है जो इस बॉल को टच कर रहे हैं, तो कितने हैं आप बोलेंगे, दिख रहा है आपको साफ साफ दिख रहा है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 6 हो जाएगा। क्वेश्चन आएगा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन में कितने कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं, तो आप बोलोगे सर 6 होते हैं। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। ठीक है, तो ये किस तरीके का स्ट्रक्चर बना रहा है, देखो किस तरीके का, यहां पे से यहां पे लाइन को जोड़ेंगे, ब्लू कलर की लाइन मैंने पहले से जोड़ा हुआ है। ठीक है, दिख रहा होगा आपको, एक हेक्सागन बना रहा है, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया हेक्सागोनल, और एक क्लोज पैकिंग है तो क्लोज पैकिंग। ठीक है, तो ये हमारी हो गई हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन। ठीक है, अब यहां से एक और क्वेश्चन बन सकता है, वो पूछेगा कि स्क्वायर टू डायमेंशन में स्क्वायर क्लोज पैकिंग ज्यादा एफिशिएंट होगी या हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग ज्यादा एफिशिएंट होगी, कौन सी ज्यादा अच्छी क्लोज पैकिंग मानी जाएगी। तो आपको पता है सॉलिड का करेक्टरिस्टिक क्या होता है, सॉलिड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं जिनसे मिलकर के सॉलिड बना हुआ है, वो क्या होते हैं, बहुत पास पास होते हैं, या फिर वो बहुत पास पास होने चाहिए, तभी वो जो हमारा सॉलिड है वो उतना अच्छा सॉलिड कहलाएगा, वो उतना एफिशिएंट सॉलिड कहलाएगा।
मतलब उसमें जो वॉइड्स हैं, वॉइड्स बोले तो खाली स्थान, जो उसमें खाली स्थान है वो हो, कम से कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कम से कम होना चाहिए। आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसमें वॉइड्स कहाँ पे प्रेजेंट है? ये वॉइड्स हैं, ये वॉइड्स हैं, ये वॉइड्स हैं, ये वॉइड्स हैं, इसमें वॉइड्स प्रेजेंट है, मतलब खाली स्थान प्रेजेंट है प्रेजेंट, वेरी गुड, है प्रेजेंट सर। यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे भी खाली स्थान प्रेजेंट है, यहाँ पे 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 प्रेजेंट है, प्रेजेंट है सभी को सर। तो ज्यादा एफिशिएंट कौन दिख रहा है आपको? जिसमें खाली स्थान कम, तो आपको खाली स्थान कम यहाँ पे दिख रहा है ना हेक्सागोनल में, इसके कंपैरिजन, इसके कंपैरिजन, स्क्वायर के कंपैरिजन, देखो स्क्वायर में थोड़ा ज्यादा वॉइड प्रेजेंट है, इसके जो पार्टिकल है वो उतने अच्छी तरीके से अरेंज नहीं है जितने अच्छे तरीके से अपने हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अरेंज होते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन की अगर मैं बात कर रहा हूं तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग वाले का ज्यादा जो वो सॉलिड होगा ज्यादा एफिशिएंट होगा, ज्यादा एफिशिएंट होगा, राइट? ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? ठीक, तो अब हम देखेंगे थ्री डायमेंशन की बात करेंगे हम। अभी तो हमने वन डायमेंशन की बात की, टू डायमेंशन की बात की, अब हम हमारा है थर्ड, थ्री डायमेंशन। तो सबसे ज्यादा जो एफिशिएंट क्लोज पैकिंग होती है, जो हमें हमारे आसपास जितने भी 3D स्ट्रक्चर हमें दिख रहे हैं वो सॉलिड के, वो सबसे ज्यादा एफिशिएंट, वो सॉलिड कैसा होता है 3D स्ट्रक्चर में, वो सॉलिड सबसे ज्यादा एफिशिएंट माना जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। आपको पता है क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की जब मैंने बात की थी, क्रिस्टलाइन सॉलिड एग्जिबिट अ रेगुलर एंड रिपीटिंग पैटर्न ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। फर्स्ट लेक्चर में आपको ध्यान होगा मैंने कहा था कॉन्स्टिट्यूएंट जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक रेगुलर एंड रिपीटिंग पैटर्न में उस सॉलिड में प्रेजेंट होते हैं, बोला था ना? ठीक है, तो यही बात यहां पे की गई है। तो थ्री डायमेंशन में किस तरीके से अरेंजमेंट होगा भैया? थ्री डायमेंशन में तीन टाइप से आपकी पैकिंग प्रेजेंट होती है, एक होती है स्क्वायर क्लोज पैकिंग, दूसरी होती है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और तीसरी होती है क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो सबसे पहले हम यहां पे बात करेंगे स्क्वायर क्लोज पैकिंग की। हमने टू डायमेंशन में देखा था, क्या देखा था? स्क्वायर क्लोज पैकिंग की बस एक शीट देखी थी, एक शीट इसलिए देखी थी क्योंकि वो बस दो एक्सिस में ग्रो कर रहा था, एक एक्स एक्सिस में ग्रो कर रहा था, एक वाई एक्सिस में ग्रो कर रहा था। बट यहां पर अगर हम बात करें तो एक और एक्सिस होगा, वो होगा बड़ा, कौन सा वाला एक्सिस होगा? वो जेड एक्सिस। कौन सा जेड एक्सिस होगा? जेड एक्सिस भी होगा, एक एक्स एक्सिस था, एक अपना वाई एक्सिस था और एक होगा जेड एक्सिस। ठीक है, तो x एक्सिस इधर को, y एक्सिस ऊपर, z एक्सिस बाहर की तरफ को। ठीक है, इस बोर्ड से बाहर, ऐसे बाहर को। ठीक है, तीन एक्सिस में ग्रो करेगा और तीन एक्सिस में उसके पार्टिकल प्रेजेंट होंगे। तो आइए स्क्वायर क्लोज पैकिंग को पहले स्ट्रक्चर से समझते हैं। ये देखिए आप, टू डायमेंशन में हमने सिर्फ एक ही शीट देखी थी यही वाली, फर्स्ट वाली, इसके ऊपर एक शीट के ऊपर फिर दूसरी शीट स्टैक किया गया, एक एक शीट रखी इसके ऊपर, दूसरे को स्टैक किया, फिर दूसरे के ऊपर, तीसरे को स्टैक किया, फिर तीसरे के ऊपर, चौथे को स्टैक किया। यहाँ पे देखिए इसके पार्टिकल्स, ये फॉर एग्जांपल ये ए है टाइप, ये पीछे वाला भी ए हो जाएगा, इसके पीछे वाला भी ए हो जाएगा, सेम सेम टाइप का ना, इसके पीछे वाला भी ए हो। क्यों है सेम सेम? ए ए ए क्यों लिखा? क्योंकि ये सेम, एक बॉल के ऊपर दूसरा बॉल को स्टैक किया गया है या फिर रखा हुआ है अगर मैं बोलूं तो हिंदी में, ये भी ये बोल रही है। ठीक है, तो ये अब कोई पूछेगा थ्री डायमेंशन में स्क्वायर क्लोज पैकिंग का टाइप क्या होता है, तो आप बोलोगे सर ए ए ए टाइप का, वो क्यूबिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा स्क्वायर क्लोज पैकिंग से। क्या बन रहा है? क्यूब बन रहा है। थ्री डायमेंशन में क्या बन रहा है? क्यूब बन रहा है। आपको दिख रहा है? बन रहा है कि नहीं बन रहा? ठीक है, यहाँ पे मैंने छोटा सा क्यूब बना के दिखा। तो ये रही हमारी स्क्वायर क्लोज पैकिंग की बात। आगे देखते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। देखिए ये थ्योरी की फॉर्म में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले इसको दिखा देता हूँ, वही चीज है। द सेकंड लेयर इज प्लेस्ड ओवर द फर्स्ट लेयर, राइट? सेकंड लेयर, फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये लेयर है। सेकंड लेयर इज प्लेस्ड ओवर द फर्स्ट लेयर। सेकंड लेयर क्या है? फर्स्ट लेयर के ऊपर है, बिल्कुल है। आगे क्या बोल रहा है? Such that the sphere of upper layer are exactly upper those of the first layer. इस प्रकार से। फिर उसके ऊपर क्या है? दूसरे के ऊपर फिर फैला है, फिर पहले, सेम मतलब ये लेयर सेम है, मतलब एक लेयर, ये भी फर्स्ट है, ये भी फर्स्ट मानी जाएगी, ये भी फर्स्ट मानी जाएगी, ये भी फर्स्ट मानी जाएगी। ठीक है, ये सेम लेयर है, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर हमारी प्रेजेंट होती है, वही चीज लिखी है। ठीक है, आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग।
चलो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को देखते हैं। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग किस टाइप की होती है? एबीएबी टाइप की होती है। कैसी होती है? एबीएबी टाइप की होती है। स्ट्रक्चर से समझते हैं। एबीएबी टाइप बोले तो एबीएबी टाइप में ये ए लेयर है, फर्स्ट लेयर है, थ्री डायमेंशन में आपको पता है, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर को स्टैक किया, फिर दूसरे के ऊपर थ्री वाली लेयर को, फिर तीसरी, फिर चौथी लेयर को स्टैक किया गया इस तरीके से। अब आप देखेंगे हेक्सागोनल में, देखो ए टाइप, ए टाइप में कैसा है, किस टाइप की मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट है। देखो ए टाइप में यहाँ पे छह है, 1, 2, 3, 4, 5 and 6, और ये एक हेक्सागन बना रहे हैं, एक टाइप तो ये हो गया। अब बात करते हैं इसे बी टाइप क्यों बोला, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर में चेंज है। देखो ये ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर बना रहे हैं आप, बना रहे कि नहीं बना रहे, बना रहे हैं। यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स या एटम प्रेजेंट बोलेंगे, आयंस कितने प्रेजेंट है कुछ भी बोलो, लैटिस पॉइंट बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं आप, कितने प्रेजेंट है यहाँ पे, 3 प्रेजेंट। तो ये बी टाइप हो गया, इसके ऊपर इसको स्टैक किया, इसके ऊपर इसको रखा हुआ, ये अलग अलग दिखाया गया, पर ये इसके एक के ऊपर एक है इस प्रकार से। ये थ्री डायमेंशन स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा इस तरीके से, ठीक है, बी है। फिर उसके ऊपर क्या है, ए प्रेजेंट, यही वाला ए फिर इसके ऊपर रिपीट हो रहा है, ए प्रेजेंट, ठीक है। तो फर्स्ट लेयर, फिर सेकेंड लेयर, फिर से वही वाली फर्स्ट लेयर रिपीट हो रही है, फिर से सेकेंड लेयर ये वाली यहां पर रिपीट हो रही है, ठीक है। आइए देखते हैं यहां पर क्या लिखा हुआ है। Each layer has a hexagonal arrangement of touching sphere and the third layer is similar to the first layer. जो तीसरी layer है वो बोल रहा है वो पहली layer से similar है। आपको दिख रही है तीसरी layer पहली layer से similar है। First, second, अगर मैं इसको तीसरी layer मानूं तो ये क्या है, पहली layer जैसी दिख रही है, same same है ना, A ये भी है और A ये भी है, राइट right? और अगर मैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग की बात करूं, मैं थ्री डायमेंशन में बात करता हूं, ये जो पहली लेयर थी, अगर मैं लेयर की फॉर्म में बोलूं, ये दूसरी है, ये तीसरी लेयर है, ये चौथी लेयर है, तो इसका टाइप तो सेम है, सब में ए ए टाइप का है, सेम सेम है यहां पे ऐसा, ठीक। आइए इसके कुछ एग्जाम्पल, ये यहां से क्वेश्चन बनता है, एनसीईआरटी फाउंड इन मैनी मेटल्स लाइक मैग्नीशियम एंड जिंक। ये जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा आपको मैग्नीशियम और जिंक कहां पर देखने को मिलेगा, मैग्नीशियम और जिंक वाले मेटलों में देखने को मिलेगा, मैग्नीशियम और जिंक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कौन से मेटल्स में मिलेगी हमको, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये इस तरीके का स्ट्रक्चर आपने देखा, थ्री डी स्ट्रक्चर, ए लेयर बी लेयर ए लेयर बी लेयर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वही चीज यहां पे बनाइए। और ये एक यूनिट सेल हो गया हेक्सागन का, इससे मिलकर के क्रिस्टल लैटिस बनेगा, एक हेक्सागोनल क्रिस्टल लैटिस भी कभी फॉर्मेशन होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अब हम बात करेंगे थर्ड जो हमारी पैकिंग है, क्लोज पैकिंग, उसका नाम है क्यूबिक क्लोज पैकिंग, नाम से ही पता चल रहा है क्यूबिक, तो क्यूब टाइप का स्ट्रक्चर बनाएगा इसका, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या होता है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की तरह ही पहली और जो दूसरी लेयर होती है वो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की तरह ही सेम रहती है। यहां पे आपको साफ साफ दिख रहा होगा, ये पहली लेयर है, ये दूसरी लेयर है, ये तीसरी लेयर है और ये चौथी लेयर। अब मैंने कहा पहली और दूसरी लेयर कैसी होती है, एचसीपी की तरह होती है, कैसी होती है, एचसीपी की तरह ही दिखाई पड़ती है। बट यहां पे क्या हो जाता है, जो तीसरी लेयर होती है ना, तीसरी लेयर में क्या होता है, यहां पर जो दिख रहा होगा तीन मॉलिक्यूल नीचे वाले में आपको दिख रहा होगा, तो यहां पे 180 डिग्री का रोटेशन, ये एंगल पहले यहां पर था, अब ये एंगल इधर की तरफ 180 डिग्री का रोटेशन हो गया, तो उसके मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट डिफरेंट है ना, तो इसलिए इसको सी कहा, तो ये अलग टाइप की लेयर है, तो इसलिए इसको सी कह दिया हमने। ये अपनी बी लेयर होगी, ये डिफरेंट लेयर है, और ये अपनी ए लेयर है, ये तो बिल्कुल डिफरेंट है, इसमें सिक्स बन रहे हैं, सिक्स मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे थ्री दिख रहे हैं, यहाँ पे भी थ्री दिख रहे हैं, बस यहाँ पे क्या था, रोटेशन का डिफरेंस था, ठीक है। तो ये किस, ये कैसा, कोई पूछेगा क्यूबिक का कैसा टाइप होता है भाई, कोई बोलेगा क्यूबिक किस टाइप का होता है, तो आप बोलोगे क्यूबिक होता है ए बी सी टाइप का, कैसा होता है, ए बी सी टाइप का हमारा क्यूबिक क्लोज पैकिंग, हमारी ए बी सी टाइप की, ठीक है। और हमारे इंस्टीट्यूट का नाम भी क्या है, ए बी सी एजुकेशन अकेडमी। तो यहाँ पे देखते हैं एच सी सी का स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया गया है, क्यूबिक प्रकार का, क्यूबिक टाइप का है, तो ये आपको यहाँ पे दिखेगा, क्यूबिक क्लोज पैकिंग होती है इसमें, ठीक है। यहाँ पे थ्री डायमेंशन में देखिए क्यूबिक ए बी सी, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, फिर सेम सेम वाली, फिर चौथी लेयर, फिर पांचवी लेयर, फिर छठवीं लेयर, इस तरीके से लेयर के ऊपर लेयर, तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इस तरीके से इसमें जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब हम बात करते हैं थ्री डायमेंशन में वॉइड्स के बारे में। वॉइड्स आपको पता होगा, अभी तक उसकी चर्चा मैंने बीच बीच में करते रहा कि वॉइड्स क्या होते हैं, खाली स्थान होते हैं। तो वॉइड्स के टाइप्स होते हैं, दो टाइप्स के वॉइड्स हमारे प्रेजेंट होंगे क्रिस्टल स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो पहला टाइप है हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कैसे शेप के होते हैं, ट्राई एंगुलर शेप के वॉइड्स होते हैं। देखिए आप, चलिए इस तरीके से दिख रहा है। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स में जो हमारे एटम होते हैं वो चार, टोटल कितने एटम से मिलकर के हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड बना हुआ है, फोर एटम से। करिए, फोर एटम बोलो, मॉलिक्यूल बोलो, लैटिस बोलो, कितने बार बोला है मैंने ये चीज, है ना, समझने की बात है। सेकंड, थर्ड एंड ये येलो कलर वाला फोर्थ, इनके बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है ये वाला, ये ट्राइंगुलर शेप में है ना, यहाँ पे ट्राइंगुलर शेप में दिख रहा है आपको, है ना, त्रिभुजाकार, ठीक है, त्रिभुज के आकार का है ना यहाँ पर। तो ये कैसा वॉइड है अपना, टेट्राहेड्रल। कैसा वॉइड है, टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल वॉइड चार मॉलिक्यूल से मिलकर के बना, इस तरीके से फोर मॉलिक्यूल आपस में अटैच है, उससे मिलकर के एक स्पेस क्रिएट हो रहा है, ये वाला स्पेस क्रिएट हो रहा है, ये हमारा कहला रहा है टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। अब इसका नाम टेट्राहेड्रल मतलब ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जो हमारी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाएगा, कैसी ज्योमेट्री बनाएगा, टेट्राहेड्रल टाइप की ज्योमेट्री बनाएगा। बनाएगा कि नहीं बनाएगा, बनाएगा सर, बिल्कुल बनाएगा यार, कैसे नहीं बनाएगा, है ना, इस तरीके से बनाएगा। एक मॉलिक्यूल यहां पर है तो इनको मिला लो, बस टेट्राहेड्रल टाइप की बनाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से वही चीज यहां पर बनाई हुई है, देखिए यहां पर इसको, एक ये है, एक एटम ये है, एक एटम ये है, एक एटम ये है, एक एटम इसके ऊपर से, इस तरीके से। तो यहाँ पे जो स्पेस प्रेजेंट होगा वो हमारा कहलाता है टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। चलिए आइए, इतना तो आपके समझ में बात आई कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने मॉलिक्यूल से मिलकर के बना है, फोर, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, फोर। कितना होगा कोऑर्डिनेशन नंबर, फोर, ठीक है, नियरेस्ट एटम। अब हम देखेंगे यूनिट सेल में टेट्राहेड्रल वॉइड्स की सिचुएशन क्या है, कहां पर यूनिट सेल में अपने टेट्राहेड्रल वॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। आइए कहां कहां पे प्रेजेंट पहले पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद उसको समझते हैं। ऑब्जर्व्ड इन द ईच कॉर्नर्स, कहां पे प्रेजेंट होते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स, प्रत्येक एक यूनिट सेल के प्रत्येक कॉर्नर पर टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होते हैं। कॉर्नर, कॉर्नर कितने होते हैं आपको पता है यूनिट सेल में, एट कॉर्नर होते हैं। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स की संख्या भी कितनी कहलाएगी, एट कहलाएगी, ठीक है। और इन टेट्राहेड्रल वॉइड्स को बनाने के लिए आपको पता है चार एटम की जरूरत है, ठीक है। तो यहां पर जो होता है फेस के जो एटम होते हैं, फेस सेंटर्ड जो एटम होते हैं, वो भी रिस्पॉन्सिबल है टेट्राहेड्रल वॉइड को बनाने के लिए। कैसे है अब वो आपको फोटो से पता चलेगा, मैं आपको दिखाऊंगा उसको कैसे है वो। अब जब मैंने बात की क्यूबिक सेल, यूनिट सेल की, तो आइए यूनिट सेल आपको पहले, सबसे पहले बनाना पड़ेगा, ठीक है। यूनिट सेल की मैंने बात की तो यूनिट सेल बनाएंगे, अब देखेंगे कि जो वॉइड प्रेजेंट होंगे ना वो वॉइड कैसे होंगे। मेनली आपको एफसीसी में देखने को मिलेगा, कहां देखने को मिलेगा, एफसीसी वाले स्ट्रक्चर में आपको टेट्रा और ऑक्टा देखने को मिलेंगे, ठीक है। फर्स्ट आपको पता है एजेस पे प्रेजेंट होते हैं, और आपको यह भी पता है कि कॉर्नर्स फेसेस पे भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब मैंने बात की कि टेट्राहेड्रल वॉइड किस तरीके से बनेगा, अगर मैं देखूं तो देखो मैंने कहा एज कैसे बनेगा, मैंने कहा था कि एज में, प्रत्येक एज में आठ एज है, तो एज में आपका क्या बनेगा, एक वॉइड बनेगा, क्या बनेगा, वॉइड बनेगा, ठीक है। कैसे बनेगा आ जाओ, देखो टेट्राहेड्रॉन बनाएगा, इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाएगा, ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा टेट्राहेड्रॉन टाइप का, ठीक है, इस तरीके से चार मॉलिक्यूल ऐसे जुड़ेंगे ना, इस तरीके से जुड़ेंगे तो ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। देखो आ जाओ, इसमें फेस के जो एटम है वो भी कंट्रीब्यूट करेंगे इस वॉइड को बनाने के लिए। तो ये अपना एज का हो गया, ये वाला एज का है, ठीक है। यहां से आ जाओ, इस तरीके से ये मिलेंगे, क्योंकि ये तो बॉल अभी ग्राफ में दूर दूर दिख रहा है, पर ये पास पास होंगे, एक दूसरे से चिपके हुए होगी ये बॉल, ठीक है, ये यहाँ पे, इस तरीके, ठीक है, ये यहाँ पे, ठीक है। तो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना रहे हैं, और यहाँ पे वॉइड प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या है, वॉइड प्रेजेंट है, अलग कलर से दिखाता हूँ, यहाँ पे क्या है, ये वॉइड प्रेजेंट है, ये वाला वॉइड प्रेजेंट है। तो ये वॉइड कैसा वॉइड है, टेट्राहेड्रल वॉइड होता है। इसी प्रकार से आप यहाँ पे भी बना लीजिए, ठीक है,
ठीक है, तो यहां पे भी एक वॉइड है, एक वॉइड है, तो एक एज लेंथ पे यहां पे भी उसी प्रकार से यहां पे भी होगा, यहां पे भी होगा, यहां पे भी होगा और यहां पर भी होगा। ठीक, तो इस टाइप से प्रत्येक एज पर एक टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होता है। आप इसको डायगोनल से एक और तरीके से समझाता हूं और क्लियर करता हूं, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया, आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि टेट्राहेड्रल वॉइड कहां पे प्रेजेंट है, ठीक है। और एक और तरीके आपको पता है, क्यूब में अगर मैं बात करूं, चलिए इससे बनाते हैं येलो कलर से, यूनिट सेल हो गई हमारी। अब आपको पता है यूनिट सेल में डायगोनल कितने खींचे जा सकते हैं, 4 डायगोनल खींचे जा सकते हैं, बिल्कुल सर खींचे जा सकते हैं। यहां से अगर मैं खींची इस कॉर्नर से इसके अपोजिट नीचे वाले कॉर्नर पे, इस कॉर्नर से इसके अपोजिट ऊपर वाले कॉर्नर से, ऐसे ही इन दो के कॉर्नर से खींचे जाएंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 4 डायगोनल खींचे जा सकते हैं। कितने खींचे जा सकते हैं, 4 डायगोनल। और प्रत्येक डायगोनल पे, हर डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। कितने टेट्राहेड्रल वॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। तो एक यूनिट सेल में अपने कितने हो गए, एक यूनिट सेल में, वन यूनिट सेल में कितने कितने डायगोनल होते हैं, कितने डायगोनल होते हैं भाई, 4 डायगोनल होते हैं, ठीक है, 4 डायगोनल होते हैं। और एक डायगोनल में कितने वॉइड प्रेजेंट है, कितने वॉइड प्रेजेंट है, 2 वॉइड प्रेजेंट है, तो 4 में कितने हो जाएंगे, 4 × 2, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 8। टोटल कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। या तो इस तरीके से बोल, या तो ऐसे बोल लो कि भाई यूनिट सेल में कितने कॉर्नर्स होते हैं, 8 कॉर्नर्स होते हैं और प्रत्येक कॉर्नर में एक टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होता है, तो टोटल कितने हो गए, 8 हो गए। चाहे वैसे बोलो चाहे ऐसे बोलो, समझने का तरीका, ठीक। तो आप इस तरीके से भी आप इसको समझ सकते हैं, 4 डायगोनल होंगे, 4 डायगोनल पे 2 2, 1 डायगोनल पे 2 वॉइड प्रेजेंट होते, तो 4 पे कितने हो गए, 8, तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हो गए, 8, तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने कहलाएंगे हमारे, 8, राइट। चलिए अब हम बात करते हैं रेडियस रेशियो की। रेडियस रेशियो आप देखिए, ये कैलकुलेट करके निकाला गया है रेडियस रेशियो। रेडियस रेशियो होता क्या है, एनायन और कैटायन का रेशियो जब निकाला होगा ना, आपको पता है एटम क्या है, छोटे छोटे स्फीयर्स एटम है, उनके पास कुछ ना कुछ रेडियस होगी, ठीक है, उससे मिलकर के एक कैलकुलेशन किया गया है। कैलकुलेशन निकालने के बाद हमें एक वैल्यू प्राप्त हुई, 0.225 आर अगर हमारी वैल्यू होगी, तो वो स्ट्रक्चर कैसा होगा, टेट्राहेड्रल, राइट। इसी हम आगे जाके पढ़ेंगे, कैटायन और एनायन का रेडियस का रेशियो किस टाइप से निकाला जाता है वो भी दिखाऊंगा मैं आपको अभी आगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं, ये हो गया हमारा। चलिए आगे अब हम बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, जैसे टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या था, 3 स्फीयर थे और उसके ऊपर एक और स्फीयर था, टोटल 4 स्फीयर से मिलकर के बना हुआ था। वैसे यहां पे बात करें तो ये हमारा बना होता है 6 स्फीयर्स, कितने स्फीयर से बना होता है, 6 स्फीयर से ये हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है, अब देखिए यहां पे डायग्राम आ जाइए इधर, कितने स्फीयर हैं देखो, गिनो, रेड वाले 1 2 3, ब्लू वाले गिन लो भाई 1 2 3, तो टोटल कितने हो गए, ये 6 हो गए, 6 मॉलिक्यूल हो गए ये, है ना। तो इनके बीच में एक वॉइड प्रेजेंट है, यहां पे वॉइड प्रेजेंट। अब यहां पे जो स्पेस है, ये वाला स्पेस क्या कहलाता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहलाता है। देखिए तो ये कैसा स्ट्रक्चर बनाएगा, ये भाई ऑक्टाहेड्रॉन टाइप का स्ट्रक्चर बनाएगा। किस टाइप का स्ट्रक्चर बनाएगा, ठीक है, ये ऑक्टाहेड्रॉन ज्योमेट्री बोलेंगे हम, राइट। चलिए अब हम देखेंगे यहां पे यूनिट सेल में जो ऑक्टाहेड्रल जो वॉइड होता है उसकी सिचुएशन कहां पर है, वो कहां पर प्रेजेंट है यूनिट सेल में। जैसे हमने टेट्राहेड्रल में हमने बोला एजेस में प्रेजेंट है, प्रत्येक एज में प्रेजेंट है, वैसे ही हम यहां पर देखते हैं। आ जाइए, उसके लिए हमें यूनिट सेल बनाना पड़ेगा, है ना। अब आपको पता है ये हुए अपनी यूनिट सेल, एफसीसी वाला बना लेता हूं वहीं से, ठीक है, कॉर्नर्स पर प्रेजेंट होंगे और कहां पे, एजेस पे भी प्रेजेंट होंगे, एजेस पे भी, सॉरी फेसेस पे भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है, फेसेस पे भी प्रेजेंट होंगे, 6 फेज होते हैं तो 6, ठीक है। जो हमारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं वो एज के, एज कौन सी होती है भाई, एज ये है हमारी एज, ये वाली एज, क्या है ये, एज ही तो है ना, ये क्या है, एज है, एज है ना ये सर, एक एज ही, तो एज के सेंटर में क्या होते हैं,
प्रत्येक एज के सेंटर में हमारे वॉइड प्रेजेंट होते हैं। तो टोटल हमारे कितने वॉइड हैं? 12 वॉइड, 12 वॉइड है। कितने वॉइड हैं टोटल? 12 वॉइड। कितने वॉइड हैं? 12 वॉइड। ठीक है, 12 वॉइड है। ठीक है सर, अब इन 12 वॉइड का कॉन्ट्रीब्यूशन इस एक यूनिट सेल में कितना है? एक यूनिट सेल में 12 वॉइड का कॉन्ट्रीब्यूशन है कितना, वो भी तो ध्यान देना है ना। 12 वॉइड तो है, पूरे के पूरे इसमें कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वॉइड? नहीं कर रहे ना। अगर मैं बात करूं ये वाली एज लेंथ की, इस वाली एज लेंथ की, तो ये वॉइड इसके बाहर भी तो है, तो इसमें कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है? 1/4 का। कितना कर रहा है? 1/4। क्यों कर रहा है 1/4 का? क्योंकि ये जो एज है ना, ये टोटल ये एज चार यूनिट सेल से मिली हुई है। कितनी यूनिट सेल से? चार यूनिट। एक यूनिट सेल इधर होगा, एक यूनिट सेल इसके ऊपर होगा, एक यूनिट सेल इसके इधर की साइड को होगा, तो टोटल, और एक यूनिट सेल ये खुद है, तो टोटल चार यूनिट सेल से मिले है। सिर्फ इस अगर मैं यूनिट सेल की बात करूं तो इस यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूशन दे रहा हूं? 1/4 का दे रहा है। एक एज लेंथ 1/4 का दे रहा है। अब टोटल एज लेंथ, टोटल एज कितनी होती है यूनिट में? टोटल कितनी होती है? 12 एज होती है। तो 12 × 1/4 कहां से आया पता चला आपको? तो ऐसे वॉइड प्लस और एक और ऑक्टाहेड्रल वॉइड हमारा प्रेजेंट होता है बिल्कुल सेंटर पे। कहां पर? सेंटर पे हमारा एक और ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होता है। तो पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन है इस वॉइड का इस यूनिट सेल के अंदर। देखो पूरा का पूरा इसके बीच में है ना, किसी दूसरे यूनिट सेल में तो नहीं जा रहा ना। ठीक है, तो इसलिए पूरा का पूरा हम लिख देंगे वन। क्या लिख देंगे? वन कर देंगे। क्या कर देंगे? वन कर देंगे भाई। ठीक है, वन कर दिया हमने। अब कैलकुलेट करो, 4 × 3 = 12। 3 और 1 कितना हो गया अपना? 4। तो हम बोलेंगे यहां से हमारा निष्कर्ष निकला, कंक्लूजन निकला कि यूनिट सेल में ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की संख्या 4 होती है। यूनिट सेल में ऑक्टाहेड्रल की संख्या 4 होती है, और सिचुएशन उसकी कहां पर है? एज के सेंटर में और क्यूब के सेंटर में। एज के सेंटर में और क्यूब के सेंटर में। कैसे निकाला पता चला आपको? ठीक है, चलिए अब बात आती है कोऑर्डिनेशन नंबर की। तो आपने देखा होगा 6 मॉलिक्यूल से मिलकर के बना है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना होगा? 6 होगा। ठीक है, आइए अब देखते हैं आगे। रेडियस रेशियो की बात करते हैं। जैसे टेट्राहेड्रल वॉइड्स में एक एक्सपेरिमेंटली वैल्यू निकाला गया 0.225, वैसे ही ऑक्टाहेड्रल में भी एक एक्सपेरिमेंटली रेडियस रेशियो निकाला गया। कैटायन और एनायन का जो रेशियो था वो हमारा आया 0.414 आर के इक्वल। ठीक है, इसे एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया गया है। ठीक है, अभी आगे दिखाऊंगा मैं। तो हमारा क्या कंक्लूजन निकला भाई, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल को अगर हम कंपेयर करें तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स अगर n है तो हमारे टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या हो जाएंगे? 2n हो जाएंगे। अगर वो n है तो क्या हो जाएंगे हमारे टेट्राहेड्रल वॉइड्स? कैसे हो जाएंगे? 2n हो जाएंगे, क्योंकि हमें पता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की संख्या कितनी होती है? 4 होती है, और टेट्राहेड्रल वॉइड्स की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आधे होते हैं, हाफ होते हैं किसके? टेट्राहेड्रल वॉइड्स के। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आधे होते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स। यहां से क्वेश्चन आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल भी बनता है यहां से। ठीक है, आगे पढ़ाने वाला हूं मैं, जब ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा दूंगा तो इससे रिलेटेड बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको देखने को। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे रेडियस रेशियो की। हम बहुत बार देख रहे थे ना, टेट्राहेड्रल वॉइड बन रहा है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन रहा है, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बन रहा है, तो कैसे रेडियस रेशियो की अगर हम बात करें। ये वाला पोर्शन मैंने कट किया हुआ है तो इसे मत देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे फोकस करना है ऊपर पे। तो रेडियस रेशियो है क्या बच्चों? रेडियस रेशियो किसी भी, अगर मैं आयनिक क्रिस्टल की बात करूं, कोई भी आयनिक क्रिस्टल हमारे कैटायन और एनायन से मिलकर के बना हुआ होता है। ठीक है, कैटायन और एनायन से मिलकर के बना हुआ होता है। ठीक है, इस तरीके से अगर आप देखेंगे, यहाँ पे कोई शीट है मान लीजिए। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पर क्या है? आयन्स प्रेजेंट है, कैटायन और किससे मिलकर के, मैंने कहा एनायन से मिलकर के बना हुआ होता है। तो आइए बनाते हैं इसको। तो जो हमारे एनायन होते हैं वो तो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, और कैटायन होते हैं वो छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो जो एनायन होते हैं वो हमारे पैकिंग में काम आते हैं। कहां पे काम आते हैं? पैकिंग में, पैकिंग का काम करते हैं। क्या करते हैं? पैकिंग का, इसका पैकिंग का, क्योंकि ये बड़े होते हैं, साइज में बड़े होते हैं। ठीक है, और बात करें हम कैटायन की, वो हमारे वॉइड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। कहां पे प्रेजेंट होते हैं? वॉइड वाले स्पेस, जो ये वॉइड का स्पेस है ना, यहां पे प्रेजेंट होंगे ना, यहां पर।
दिख रहा है आपको, यहाँ पे भी एक सर्कल बना है, यहाँ पे एक सर्कल बना है, यहाँ पे भी एक सर्कल। इस तरीके से इनकी पैकिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आसानी से क्या करेंगे, फिर इनका रेडियस रेशियो निकाल लेंगे। तो रेडियस रेशियो जब फॉर एग्जाम्पल इसका कैपिटल आर यहाँ पे, ये इसका स्मॉल आर, अगर ये किस तरीके का शेप बना रहा है, ट्राइंगुलर शेप बना रहा है, टेट्राहेड्रल शेप बना रहा है, उस आधार पे हम इसका यहाँ से आसानी से रेडियस रेशियो निकाल सकते हैं। एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज, कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज, ये तो पता ही होगा आपको, ठीक है। तो पैकिंग इस तरीके से होती है, एनायन पैकिंग में काम आते हैं और जो वॉइड में प्रेजेंट होते हैं वो हमारे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो एनायन और कैटायन का जो रेडियस का रेशियो होता है वो हमारा कहलाता है रेडियस रेशियो, ठीक है। तो मैंने वही चीज लिखी हुई है यहां पर, तो रेडियस रेशियो इक्वल टू कैटायन रेशियो ऑफ, रेडियस ऑफ रेशियो ऑफ कैटायन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ एनायन, ठीक है। चलिए आगे देखें, आ जाओ, इतनी बात समझ में आई, ठीक। अब हम देखते हैं कि रेडियस रेशियो एक्सपेरिमेंटली कैसे निकला। देखो ये वैल्यू एक्सपेरिमेंटली निकाली गई है, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली इनको निकाला गया है। तो आप देख सकते हैं यहां पे जीरो से अगर 0.155 में के बीच में अगर वैल्यू आएगी तो वो हमारा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 2। ये याद करने वाली चीजें, आपको इसको डायरेक्ट याद करना है, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, ठीक है। एक नंबर का क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा यहां से, इसकी रेडियस रेशियो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, अगर 0 से 0.155 के बीच में लाई करेगा तो, ठीक है। किस तरीके का वो स्ट्रक्चर बनाएगा, लीनियर स्ट्रक्चर बनाएगा। किस तरीके का स्ट्रक्चर बनाएगा, लीनियर स्ट्रक्चर, या ज्योमेट्री बोलो चाहे स्ट्रक्चर बोलो, ठीक है। अगर वैल्यू हमारा 0.155 से 0.225 के बीच में आता है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 3। किस तरीके का स्ट्रक्चर बनाएगा वो, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर बनाएगा, या देखिए ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर बनाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर उसका 3 होगा। और इसके एग्जांपल से आप समझ सकते हैं, यहां से ये क्वेश्चन बनता है, बोरोन ऑक्साइड B2O3, ठीक, इसका एग्जांपल हो गया, ठीक है। अगर 0.225 से बीच से लेकर के 0.414 के बीच में अगर हमारा रेडियस रेशियो का जो वैल्यू लाई करेगा तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4। क्या होगा, 4। कैसी ज्योमेट्री बनाएगा वो, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाएगा। एग्जांपल क्या हो जाएगा, ZnS और कॉपर क्लोराइड, ZnS और कॉपर, ठीक है, कैटायन और एनायन, ये कैटायन और एनायन ही तो है, इनको तोड़ोगे आप तो Zn 2 पॉजिटिव, S 2 नेगेटिव, ठीक है। तो इस तरीके से क्रिस्टल लैटिस में होंगे जो कैटायन होंगे अपने पैकिंग में, एनायन होंगे वो पैकिंग में काम आएंगे, और जो कैटायन होंगे वो वॉइड्स में प्रेजेंट होंगे। तो इस तरीके से लैटिस का फॉर्मेशन करेंगे, है ना। तो आपको क्वेश्चन अगर आ गया कि भैया 0.314 कैसी ज्योमेट्री बनाएगा, तो आपको इसके बीच में आ रहा है ना वैल्यू 0.314, आ रही कि नहीं आ रहा, मैंने बोल दिया 0.314 आ गया आपका, कोई आपने रेडियस का रेशियो दे रखा था। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में दे रखा होगा कि कॉपर का क्रिस्टल है, उसके रेडियस का रेशियो भैया एनायन के रेडियस का रेशियो कुछ दे दिया होगा, कैटायन का कुछ दे दिया होगा। आपको फॉर्मूला पता है, क्या पता है आपको, कि कैटायन डिवाइडेड बाय एनायन, आप कर देंगे वहां से आप रेडियस रेशियो निकाल देंगे। फॉर एग्जांपल आपका रेडियस रेशियो आ गया 3. इतना आ गया 0.314, तो आपको बतानी है ज्योमेट्री क्या होगी, तो आप आसानी से बता सकते हो ना, जब आपको ये याद होगा। जब तक आपको ये रेडियस रेशियो का वैल्यू याद नहीं होगा तो आप नहीं बता सकते। तो क्वेश्चन आपका इसका थ्योरेटिकली भी आएगा और न्यूमेरिकल वाला का भी क्वेश्चन भी आ सकता है, आगे कराऊंगा मैं इसको, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कैसी ज्योमेट्री बनाएगा, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अगर वैल्यू आएगा 0.414 से 0.732 के बीच में अगर वैल्यू हमारा लाई करता है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6, ठीक है। कैसी ज्योमेट्री बनाएगा, ऑक्टाहेड्रल टाइप की ज्योमेट्री बनाएगा। और किसमें होती है ऑक्टाहेड्रल टाइप की ज्योमेट्री, कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, NaCl और मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO में ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। अगर वैल्यू 0.732 से 1 के बीच में अगर लाई करता है तो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 8 होगा, कितना होगा, सॉरी 8 होगा, हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 8 होगा। और कैसा स्ट्रक्चर बनाएगा वो, क्यूबिक टाइप का स्ट्रक्चर बनाएगा, ठीक है। किन में मिलता है क्यूबिक स्ट्रक्चर हमको, सीजियम क्लोराइड में मिलता है और अमोनियम ब्रोमाइड में मिलता है, NH4Br और CsCl, ठीक है। अगर हमारा रेडियस रेशियो 1 होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 12 होगा। और ये 12 कोऑर्डिनेशन नंबर अभी हम मैंने पीछे पढ़ाया, अभी पढ़ाया है, क्या किसमें होगा, क्लोज पैकिंग HCP और CCP में आपका रेडियस रेशियो कितना होता है, 1 होता है। HCP CCP का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 12 होता है। और ये आपको मिलेंगे, एग्जांपल होगा इसका
मेटल, क्या एग्जाम्पल हो जाएगा इसका आपका, मेटल्स आपके जितने भी मैग्नीशियम ठीक है वगैरह वगैरह जो भी थे आपके, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे ठीक। इससे पहले मेरे को कुछ याद आया, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक चीज नोट में लिखाया था, देखिए ठीक है, यहां पे मैंने नोट में लिखाया था क्यूबिक क्लोज पैकिंग की मैंने अगर बात की थी, यहां पर क्यूबिक क्लोज पैकिंग का मैंने यहां पे एग्जांपल लिए, देखिए आप एग्जांपल यहां पे से देखिए, ये बताना मेरे ख्याल से मैंने ये बताना भूल गया हूं, चलो कोई बात नहीं, यहां पे देख लो क्यूबिक क्लोज पैकिंग का क्या है एग्जाम्पल, ये है कॉपर एंड सिल्वर ठीक है। नोट में लिखा है इसका कोऑर्डिनेशन, जो एचसीपी और सीसीपी का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 12 होता है ठीक है। कैसे होता है दिखाया, नियरेस्ट नेबर एटम 6 मॉलिक्यूल्स, 6 ऊपर और 6 उसके ऊपर, इस तरीके से तो टोटल हो गए 12। बोथ टाइप एचसीपी और सीसीपी दोनों टाइप में क्या होता है, हाईली एफिशिएंट पैकिंग होती है। कैसी हाईली एफिशिएंट पैकिंग, जितना एफसीसी का होता है ना उतना सीसीपी का भी होता है, 74% एफसीसी का हमने प्रीवियस क्लास में देखा था, 74% हमारा निकला था, और सीसीपी और एचसीपी का भी 74% हमारा ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं ठीक। तो ये था हमारा सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 3, तो आप हमारे साथ बने रहिए ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जो भी कंफ्यूजन है, जो भी आपको डाउट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।